चुनाव की बेला है। यह वक्त सत्ता पक्ष के लिए विपक्ष के हमलों का जवाब देने के साथ साथ आत्मविश्लेषण का भी है। आज इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं प्रदेश के गृह मंत्री उमा शंकर गुप्ता। सीधा सादा सा सवाल, पिछले 10 साल के कार्यकाल का आकलन किस तरह करते हैं? मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इतिहास रचा है। एक बीमारू राज्य को अग्रणी राज्य की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है। और ये बात तब हम नहीं कह रहे हैं, जमाना बोल रहा है। जीडीपी का मामला हो, कृषि उत्पादन का मामला हो, सड़क बनाने का मामला हो, बिजली 24 घंटे प्रत्येक गांव को देने का मामला हो, ये ऐसे स्पष्ट काम है, सामने दिखाई देने वाले काम है कि जिससे ये सिद्ध होता है कि अगर इच्छा शक्ति हो तो किसी भी विषम परिस्थितियों में भी कामों को अंजाम दिया जा सकता है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में ये इतिहास रचा है। अभी तक जो परियोजनाओं पर काम चला है, गृह राज्य मंत्री के तौर पर कोई ऐसा प्रोजेक्ट, कोई ऐसी योजना जो आपको लगता है उस पर और काम होना चाहिए? मुझे लगता है कि गृह विभाग की दृष्टि से मुझे लगता है ट्रैफिक एक ऐसा विषय है जिस पर अभी और काम करने की ज़रूरत है, जिस पर शुरुआत हमने की है और इसको आगे और हम गंभीरता से लेंगे, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि शहर का डिसिप्लिन ट्रैफिक पर निर्भर करता है और इसमें काम करने की ज़रूरत है, जिसमें हमने शुरुआत की है। इसके अलावा कोई और मुद्दा आता हो कि जिस पर और काम किया जाना चाहिए? लगातार देखिए तो ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें चाहे भर्ती का मामला हो, चाहे आधुनिक संसाधनों को जुटाने का मामला हो, इसमें तो निरंतर जितना हम काम करेंगे मुझे लगता है कि वो रिजल्ट्स में सहायक होगा। गृह मंत्री के तौर पर राज्य के कानून व्यवस्था से कितने संतुष्ट हैं? मुझे लगता है कि मंत्री के रूप में मुझे संतुष्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो आगे हम काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम ये संतोष व्यक्त कर सकते हैं कि मध्य प्रदेश जिन चुनौतियों से जूझ रहा था, चंबल, चित्रकूट, रीवा, ये डाकुओं के नाम से जाने जाने लगा था। यहाँ तक कि दिग्विजय सिंह सरकार के मंत्री आदरणीय रावत जी ने तो जो मंत्री थे रहते हुए कहा कि शायद डाकुओं से निपटने के लिए बंदूक लेकर मुझे कूदना पड़ेगा। कैबिनेट मंत्री लिखिराम जी काबरे की गले काट कर रेत कर हत्या कर दी गई थी। वहाँ आज हमने 300 डाकू के करीब मारे और 2000 गिरफ्तार किए हैं, जेल में हैं, और आज चंबल जो है डाकू विहीन हो गया है। इसी प्रकार मालवा अंचल आप ले लें तो सिमी का नेटवर्क इतना फल फूल रहा था, कोई भी आतंकवादी घटना देश में कहीं होती थी, कहीं ना कहीं तार जो है वो मालवा से जुड़े हुए पाए जाते थे। सिमी के नेटवर्क को हमने ध्वस्त किया है। नक्सलवाद को भी आप देखेंगे तो अपेक्षाकृत मध्य प्रदेश में हमने नियंत्रित करके रखा हुआ है। और इस दृष्टि से आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था की दृष्टि से काफ़ी अच्छा काम हुआ है और आज मध्य प्रदेश एक शांत प्रदेश के रूप में जाना जाता है। ऐसा नहीं लगता जैसे कि हमारे मुख्यमंत्री हैं वो स्त्रियों के पक्ष में उसके भावनात्मक स्तर पर जाकर के सोचते हैं? कभी कभी उनकी योजनाओं को देख करके लगता है ऐसा कि वो उसकी भावनाओं को समझते हुए योजनाएं बनाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ बावजूद इसके कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जो कि राष्ट्रीय पटल पर ले आता है नाम को। जैसे कुछ दिन पहले ही एक दो बच्चों को जो है वो न्यूड करके पूरे गांव में घुमाया गया था। इस तरीके की घटनाएं आ जाती हैं और एक सवाल तारी हो जाता है कि भाई स्त्रियों के सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। मुझे लगता है यहाँ कहाँ कमी कहाँ लग रही है? मुझे लगता है दो बातें अलग अलग हैं। एक तो सरकार की इच्छा, मुख्यमंत्री जी की इच्छा और उसके अनुरूप योजनाओं का क्रियान्वयन। आप इसमें देखेंगे कि काफ़ी सफलता से इन योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है और महिला कल्याण की भी जितनी योजनाएं मध्य प्रदेश में चली हैं वो एक रिकॉर्ड है और आज भी देश में कहीं नहीं चल पा रही है। और उसी का भी परिणाम है कि वर्ल्ड बैंक ने पिछले दिनों न्यूयॉर्क माननीय मुख्यमंत्री जी को बुलाया था इन्हीं महिला कल्याण की योजनाओं के प्रेजेंटेशन के लिए। अपराध और घटनाओं के बारे में आप कहें तो महिला अपराधों को लेकर आप देखेंगे कि ये चिंताजनक विषय है और इन अपराधों के होने पर जितनी सख्त और त्वरित कार्रवाई इस सरकार में हो रही है इससे पहले कभी नहीं हुई। लेकिन ये घटनाएं कहीं ना कहीं मानसिक विकृति जो समाज में आ रही है उसका भी परिचायक है। अगर एक 2.5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार की घटना होती है और अगर एक सगा बाप बेटी के साथ बलात्कार घर के अंदर करता है, चाचा करता है, नाना करता है, ये
एक हमने सर्वे कराया था कि जो बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं इसमें 84 से 90% घटनाएं रिश्तेदार और परिचितों के द्वारा हो रही है। मुझे लगता है कि इसका पहले से कोई प्रोटेक्शन नहीं किया जाना कठिन है कि इन घटनाओं को कैसे रोका जाए, लेकिन कहीं ना कहीं सामाजिक चेतना लाने की ज़रूरत है। वो सरकार, मीडिया, एनजीओ, लेखक, साहित्यकार, हम सबको मिलकर ये मानसिक विकृति को दूर करने की कोशिश करना पड़ेगी। और ये जो आपने भी घटना का उल्लेख किया, ये मुझे लगता है कि कोई भी स्वस्थ मानसिकता का व्यक्ति नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं विकृत मानसिकता जो बढ़ रही है और गिरावट आई है चरित्र में, उसको दूर करने के लिए सामूहिक प्रयास करना पड़ेगा। जो मंत्री के तौर पर ऐसे अपने कार्यकाल में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय जिसको आप रेखांकित करना चाहें? डेफिनेटली विभाग के लिए भी हमने, जैसे मैंने कहा, पुलिस बल की बहुत बड़ी कमी थी, 36,000 के करीब नई भर्ती की है। प्रमोशंस नीचे के कर्मचारियों के नहीं होते थे, इस मेरे कार्यकाल में 17-18 हज़ार प्रमोशन हुए हैं। पुलिस कर्मियों के लिए मकान बनाने की योजना हमने शुरू की, 10,000 मकान हमने बनाए हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना जो हमने की, पुलिस स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की लागू की है। आप और हम सब जानते हैं पुलिस की ड्यूटी 24 घंटे की होती है। थाना ही एक ऐसा स्थान है जहाँ कभी ताला नहीं लगता, और बड़े तनावपूर्ण क्षणों में भी पुलिस को ड्यूटी करना पड़ती है, और इसके कारण बीमारी के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। बीमारी में इलाज कराने के लिए उसको चक्कर लगाना पड़ते थे, परेशान होना पड़ता था बिलों के रीइंबर्समेंट के लिए। हमने इस योजना के अंतर्गत उनको एक कार्ड बनाकर दे रहे हैं, और उस कार्ड के कारण वो किसी भी मध्य प्रदेश के प्राइवेट मान्यता प्राप्त जो सरकार से अस्पताल हैं या प्रदेश के बाहर हैं, अपने परिवार का इलाज जाकर करा सकते हैं, और एक साल में 8 लाख रुपये तक के इलाज के लिए उन्हें कहीं चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। उस कार्ड के आधार पर वो इलाज करा लेंगे। मैं सोचता हूँ ये बहुत बड़ी योजना हमने पुलिस के लिए लागू की है। पुलिस के लिए मकान और पुलिस भर्ती, ये मैं सोचता हूँ कि ऐसे काम हैं, संसाधनों को बढ़ाया है, भवनों को बढ़ाया है, कि उनको हमने सुविधाएं ऐसी दी हैं। पुलिस में कोई छुट्टी नहीं होती थी, हमने फील्ड के स्टाफ को भी महीने में एक दिन की छुट्टी की भी व्यवस्था की है, कहीं तो एक दिन रिलैक्स होकर परिवार के बारे में सोचे। इस दिशा में कुछ काम करने की कोशिश की है, जिसके मुझे लगता है कि परिणाम भी अनुकूल आ रहे हैं। विपक्ष को मैं कहना है कि राजनीति में आलोचना सबको करना चाहिए, विपक्ष का धर्म भी होता है, लेकिन कौन से मुद्दे का और राजनीतिकरण करना, कौन से को नहीं करना, क्योंकि कोई बहुत से ऐसे सेंसिटिव मुद्दे होते हैं जिस पर राजनीति नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, और वस्तु स्थिति को जानना चाहिए। एक पक्ष ये सबको ध्यान रखना चाहिए कि आजकल पब्लिक अवेयरनेस बहुत हो गई, जागरण बहुत हो गया है, हर कुछ पब्लिक को कहकर बहकाया नहीं जा सकता। ये पब्लिक है, सब जानती है, माइन्यूटली देखती है, और ऐसे में अगर विपक्ष उन बातों को कहेगा जो सही हैं, जो जनता भुगत रही है, तो उसकी बात में वजन होता है। लेकिन आजकल अनर्गल और तथ्यहीन अगर हम आरोप लगाएंगे तो कहीं वो स्टैंड नहीं करते हैं। इस बातचीत से कुछ महत्वपूर्ण बातें निकलकर सामने आ रही हैं। सबसे पहले गृह मंत्री यह स्वीकार करते हैं कि ट्रैफिक के क्षेत्र में और भी काम किया जाना बाकी है। वो यह स्वीकार करते हैं कि ट्रैफिक के क्षेत्र में और भी सुधार होना चाहिए, साथ ही प्रदेश में स्त्रियों के पक्ष में, स्त्रियों के सशक्तिकरण के लिए बहुत सारी योजनाओं को लागू करवाने के बाद भी स्त्री सुरक्षा एक प्रश्न बना हुआ है। इस बात को भी गृह मंत्री कहीं ना कहीं स्वीकार करते हैं, लेकिन साथ ही वे यह भी कहते हैं कि इसमें सामाजिक चेतना की भी जरूरत है। गृह मंत्री ने यह भी बताया कि विपक्ष के लिए यह जानना जरूरी है कि किस मुद्दे का राजनीतिकरण किया जाना चाहिए और किस मुद्दे का नहीं। विपक्ष का फर्ज बनता है कि वह आलोचना करे, लेकिन कौन से विषय का चुनाव हो, इस बात का ख्याल विपक्ष को रखना चाहिए। इनसाइट टीवी से मैं गुलसारिका।